आज फिर हुकूमत गुंडागर्दी कर रही है। कल से हमारे बहुत से कायदीन और कारकुनान को फिर उन्होंने गिरफ्तार किया। तो हुकूमत खुद यानी अपने जराइम से तवज्जो हटाने के लिए मुल्क में कोई बदअमनी पैदा करना चाहती है। मैं दुआ गो हूं अपने उन तमाम भाइयों के लिए जो डेरा लगा के बैठे हैं फैजाबाद में, खत्म नबूवत की अजान दे रहे हैं। अल्लाह उनको कामयाब करे और हुकूमत सोचे कि अगर उन पर लाठी चार्ज हुआ तो वो चंद हजारों पे नहीं पूरी सुन्नियत पे समझा जाएगा और उसका सुन्नी बदला लेंगे। इस वास्ते कि सुन्नी अब मसरक और मिशन के लिए बेदार हो चुके हैं। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है। क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक आरी है? मत डरना इन बदखाहों से, मत डरना इन तंगराहों से। जब साथ हैं तैबा के वाली फिर आगे क्या दुश्वारी है? जिस दौर में मिल्लत के गाजी सूली पे चढ़ाए जाते हो वो तर्ज हकूमत मिल्लत से मक्कारी है, गद्दारी है। अंग्रेज के सब नौकर जाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करें, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। किसी को गुस्सा आए या ना आए, अंग्रेज के सब नौकर चाकर, अंग्रेज के सब नौकर चाकर, सब सब सब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल, जरदारी, इमरान खान, अल्ताफ, शुजात, अंग्रेज के सब नौकर चाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करें, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। मुमताज से जिसकी अब वोट है किसका? गाजी का। अब वोट है किसका? अब वोट है किसका? हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। अब वोट है किसका? अब दौर है किसका? अब दौर है किसका? अंग्रेज के सब नौकर चाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करें, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौर जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ए आसिफ जब जाना अपनी बारी है। लग जिस्मी फिदा, लग कल्बी फिदा, लग रूही फिदा, फिदा का या रसूल अल्लाह।